रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा आज 2 मार्च 2019 को एक और नोटिस रिलीज कर दिया गया है, और वो नोटिस है ग्रुप डी के रिजल्ट से रिलेटेड। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखेंगे बता देता हूँ आपको, CEN 2/2018 आज का डेट मेंशन है, 2 मार्च 2019। यहाँ पे एक लिंक दिया गया जिसमें लिखा हुआ है क्लिक हियर टू नोटिस ऑन डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। तो ये CEN 2 जो है वो ग्रुप डी का रिजल्ट, ग्रुप डी का वैकेंसी के बारे में था, और ये लिंक जो है उसका रिजल्ट के पब्लिकेशन के बारे में दिया गया। तो जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे PDF फाइल डाउनलोड होगा, जो कि मैं उसे ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। अगर आप खुद से डाउनलोड करके खुद से देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी, आप खुद से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं क्या इस PDF में। अब देखेंगे यहाँ पे, आप देख सकते हैं डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट फॉर फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट, जिसको PET बोला जाता है। यहाँ पे लिखा गया इस पैराग्राफ में, आप देखेंगे द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड फॉर PET बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड, इस डेट में जो भी एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट शेड्यूल टू बी डिक्लेयर्ड आफ्टर 15 आवर्स 4 मार्च 2019, मतलब 4 मार्च 2019 को 3 बजे दोपहर के बाद डिक्लेयर किया जाएगा। मैं बता देता हूँ कि 3 बजे बोला गया है, आप सब जानते हैं कि जैसे एग्जैक्ट टाइम होगा, चूँकि सबको जानकारी प्राप्त हो जाता है तो वेबसाइट ओपन करना शुरू कर देंगे, और जो कि वेबसाइट जाम हो जाएगा। अगर वेबसाइट जाम हो जाएगा तो आपको समझ लीजिए 1-2 घंटा आगे पीछे हो सकता है, पीछे तो होगा नहीं, आगे बढ़ जाएगा। तो अगर आप अपना रिजल्ट देखना चाहते हैं, ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिए हैं, तो 4 मार्च को लॉगिन कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ डालना होगा रिजल्ट देखने के लिए। यही इस PDF में था जो कि मैं आपको बता दिया। अगर आपने फॉर्म भरा है तो ठीक है, अगर आपके फ्रेंड भरे तो इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि वो अपना रिजल्ट टाइम पे देख लें। और अगर आप हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और आप हमेशा अप टू डेट रहें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।